वेलकम टू फ्राइडे फिश कीपिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव अपडेट्स, ठीक है। जो मैंने एक साइड सॉइल रखा है फिश टैंक में और एक साइड ग्रेवल्स रखे हैं, तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ अभी के फिश को कौन सा ज्यादा पसंद आया है और वो किस साइड ज्यादा रहती है, घूमती है, फिरती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये है एक्वेरियम मेरा, ठीक है, जिसमें मैंने हाफ ग्रेवल और हाफ सॉइल से बनाया हुआ था, ठीक है। हाफ साइड सॉइल रखा था मैंने और हाफ साइड ग्रेवल्स रखा था। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ग्रेवल्स है उस पर थोड़ा एल्जी ग्रो हो गया है, मगर जो सॉइल है वो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। और ये जो सब फिश है ज़्यादा करके सॉइल के साइड ही रहती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो आती है ग्रेवल्स के वहाँ साइड पे। तो ज़्यादा करके फिश सॉइल जहाँ पर है उस साइड ही रहती है। देखिए अभी भी सब यहाँ पे ही है, ज़्यादा करके यहाँ पे ही रहती है ये सब। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो देखने मिलते हैं इस साइड। देखे वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो ये एक्वेरियम सॉइल बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों मुझे ये एक्वेरियम सॉइल बहुत ही पसंद आया है, बहुत ही अच्छा है, एकदम नेचुरल फ्रेंडली है, एकदम नेचर फ्रेंडली है। और जो मैंने ऊपर ये प्लांट डाले हुए थे फ्लोटिंग प्लांट, वो भी अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। देखिए आप, बहुत ही प्यारा लगता है ये, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फिश के लिए। बात करें ड्रिफ्ट फूड के बारे में, तो सभी फिश मोस्टली ड्रिफ्ट फूड के अंदर रहती है। ये जो दूसरे टाइप की फिश है, ठीक है, ये ज़्यादा करके ड्रिफ्ट फूड के पास अंदर ही रहती है। अभी सुबह का टाइम है तो ये लोग घूम रहे हैं, मगर जैसे ही थोड़ा दोपहर हो जाती है तो कुछ फिश है जो ड्रिफ्ट फूड के अंदर चले जाती है और फिर बाद में ही निकलती है आराम से, या फिर कुछ खाना डालते हैं तो निकलती है बाहर खाने के लिए। हम देख सकते हैं कितनी हेल्दी फिश है सब, और सॉइल भी बहुत अच्छा है ये। और हाँ दोस्तों, मैंने 150 नहीं 300 रुपीस में ये सॉइल खरीदा हुआ था, वो मुझे तभी उस दिन याद नहीं था। देखा आपने दोस्तों, जैक से कि मैंने कहा था आपको कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो आप सभी देख चुके होंगे कि फिश को क्या ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो कृपया फिश के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने फिश टैंक में, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी भेजें।
ताकि वो इसे देख सके। और हर फ्राइडे मैं आपके लिए ला रहा हूँ इश्क पिंग के ऊपर और नए वीडियोस। देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाय, स्टे सेफ। Said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I'm